नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, जो कि लेखपाल की भर्ती परीक्षा आने वाली है, सुपर टेट के लिए, बीईओ के लिए और जो उत्तर प्रदेश में अन्य प्रादेशिक परीक्षाएं होने वाली हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी को दृष्टिगत रखते हुए अपनी इंडियन ज्योग्राफी का एक सीरीज शुरू की है। तो एक लेक्चर आप लोगों को पहले मिल चुका होगा। आज हम दूसरे लेक्चर की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रादेशिक भूभाग की। प्रादेशिक भूभाग की अगर हम लोग बात करें तो प्रादेशिक भूभाग को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। हम इसको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से भाग होंगे हमारे? अगर हम पहले भाग की बात करें तो हमको मिलाएगा पर्वतीय प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हमको हिमालय से संबंधित अध्ययन करना है। दूसरे भाग में हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार का। तीसरे क्रम में हम करेंगे मध्य के मैदान का, मध्य के मैदान का अध्ययन करेंगे। और चौथे भाग में हम अध्ययन करेंगे तटीय भागों का, तटीय भागों का अध्ययन करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम अपने पूरे भारत को चार भागों में विभाजित कर देंगे, पर्वतीय प्रदेश में, प्रायद्वीपीय पठार में, मध्य मैदान में और तटीय भागों में, और उसको लेकर ही इसका पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो विषय है या जो हम लोगों ने इसका शीर्षक लिया है, वो लिया है कि आज हम हिमालय का अध्ययन करेंगे, यानी कि हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जो उत्तर में पर्वतीय प्रदेश हैं उनका आज हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। अगर हम बात हिमालय की करते हैं या उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों की बात करें, तो ये एक मानचित्र बना हुआ है पूरा आपके सामने, जो मैंने उसका उत्तरी भाग पूरा दिखाया गया है, और इसी में हम हिमालय का को रेखांकित कर अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर हमको हिमालय की अगर चर्चा करनी है, तो सबसे पहले हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी उस पर थोड़ा सा हल्का सा अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि ये विश्व भूगोल का विषय बन जाएगा जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, समुद्र तल प्रसरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को समझा दिया जाएगा। वैसे पंचऋषि क्लासेस की में वीडियो पड़ी हुई है हिमालय का निर्माण और उसका विकास, वो काफ़ी डिटेल्ड क्लास है जो हिमालय के निर्माण से संबंधित था। लेकिन मैं हल्का फुल्का यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर प्रश्न आए तब हम किस प्रकार उसको ले लेंगे। चलिए, हिमालय के निर्माण के क्रम में अगर हम देखें तो बिल्कुल पुरातन काल में हमारी जो पृथ्वी थी या स्थलखंड था, वो दो हिस्से थे उसमें। एक तो था स्थलखंड और दूसरा था उसके चारों तरफ पानी। ठीक है, एक स्थलखंड था बीच में और उसके चारों तरफ पानी ही पानी था। जो स्थलखंड था उसको कहा जाता था पेंजिया, और उसके चारों तरफ का जो पानी था उसको कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा जाता था? पेंथालासा। अब कालांतर में इस पेंजिया पर बहुत सारे बल लगे। कौन कौन से बल लगे? बल लगे सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल, सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा, सूर्य चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा, और लगा उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। इसके अलावा लगा कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से इस पर कोरियोलिस बल लगा। इन तीनों बलों के प्रभाव के अधीन, कोरियोलिस बल, इन तीनों बलों के प्रभाव के अधीन यह पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। यह पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से भाग थे दो भाग? एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। यानी कि पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। किस किस में? अंगारा लैंड में, अंगारा लैंड में, और दूसरा भाग था गोंडवाना लैंड। यानी कि दो भागों में ये विभाजित हो गया, और इनके बीच में जो स्थान बना उसमें पानी ने प्रवेश कर लिया। उसके अंदर कौन प्रवेश कर गया?
पानी प्रवेश कर गया और निर्माण हुआ 33 सागर का। 33 सागर का निर्माण हुआ। क्लियर है? 3 बलनों ने कार्य किया। ये पेंजिया 2 भागों में विभाजित हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, और उनके बीच में पानी ने प्रवेश कर लिया, जिसको हमने कहा 33 सागर। कालांतर में ये गोंडवाना लैंड भी फिर विभाजित हुआ और इसमें से निकला इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी निकली? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो इस गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। जो नीचे का हम तिकोना हिस्सा देखते हैं भारत का, वो पुराना गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है और इसने अंगारा लैंड की ओर मोशन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इसने ऊपर की ओर मोशन किया, ये उस 33 सागर के मलबे को, गाद को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए हम 2 चीज़ों को एक दूसरे की ओर अग्रसरित करते हैं, तो बीच में जो भी चीज़ गाद होगी, जो भी कंकड़ पत्थर होगा, वो क्या होगा? ऊपर उठना प्रारंभ हो जाएगा। यही उस समय हुआ, इस 33 सागर का गाद ऊपर उठना प्रारंभ कर दिया। और जब इसने ऊपर उठना प्रारंभ किया, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन में तो हुआ नहीं था, करोड़ों वर्षों का समय लगा। धीरे धीरे करके कुछ गाद इकट्ठा हुआ, फिर अगली बार कुछ और गाद इकट्ठा हुआ, फिर और कोई गाद इकट्ठा हुआ, यानी कि इसमें फोल्ड बनने शुरू हो गए, बले बनने प्रारंभ हो गए। और इसी प्रक्रिया के दौरान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, यानी कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? एक बलित पर्वत है। किस प्रकार का? बलित पर्वत है, जो 33 सागर के मलबे के वले पड़ जाने के कारण निर्मित हुआ था। तो किस तरह का पर्वत है? बलित पर्वत है, यानी कि फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, कहा जाता है कि हिमालय अभी बच्चा है, अभी तो उसको और ऊपर उठना है, यानी कि ये किस प्रकार का है? ये एक नवीन बलित पर्वत है। नवीन मीन्स नया, नवीन बलित पर्वत है। तो सबसे पहले प्रश्न तो यहां से ही बनता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। पेंथालासा कहा जाता था इसके चारों तरफ वाले पानी को, और पेंजिया कहा जाता था स्थलखंड के लिए। यहां से प्रश्न आया हुआ है, पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड फिर से विभाजित हुआ और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उससे अलग होकर बढ़नी शुरू हो गई अंगारा लैंड की तरफ। बीच का 33 सागर पड़ा, 33 सागर के गाद को दबाते हुए इसने एक पर्वत का निर्माण किया, जिसको हम लोग हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। चूंकि ये 33 सागर के गाद के वले पड़ने के कारण बना, इसलिए इसको बलित पर्वत कहा जाता है। ये चूंकि अभी बच्चा है, इसलिए इसको नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। तो ये छोटी सी कहानी रही निर्माण की, हिमालय के निर्माण की। अब हम आगे बात करते हैं और हिमालय का अध्ययन करते हैं। हिमालय का जो विस्तार देखने को मिलता है, हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ये एक चाप के रूप में, एक धनुष होता है, उस चाप के रूप में विकसित हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। और इसकी लंबाई लगभग 2400-2500 किलोमीटर की लंबाई है। टोटल लंबाई अगर हम देखें तो 2400-2500 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई देखने को मिलती है हिमालय पर्वत की। अगर हम ऊंचाई के आधार पर इसका वर्गीकरण करें, तो ऊंचाई के आधार पर हमको 3 प्रकार के हिमालय देखने को मिलते हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। और उससे ऊपर मिलता है हमको ट्रांस हिमालय, यानी कि कुल मिलाकर 4 श्रेणियों में हम उसको विभाजित कर देते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ें तो 4 प्रकार की श्रेणियां हमको प्राप्त होती है। सबसे उत्तर की तरफ ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण के बाद महान हिमालय, लघु हिमालय और फिर बाह्य हिमालय। अब हम तीनों ही हिमालयों का अध्ययन करते चलेंगे और देखेंगे कि उनकी क्या क्या विशेषताएं और कहां से वो प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, जो इस वक्त पाक अधिकृत कश्मीर का भाग है, उस भाग में हमको कुछ श्रेणियां मिलती हैं। इसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय। और इसमें कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कुछ श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, जास्कर और लद्दाख की श्रेणियां। यानी कि ट्रांस हिमालय में क्या पाया जाता है? कराकोरम की श्रेणियां, कराकोरम, जास्कर और लद्दाख की श्रेणियां।
तो ये तीनों प्रकार की श्रेणियां किस में पाई जाती हैं? ट्रांस हिमालय में पाई जाती हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है उसकी कराकोरम श्रेणी में एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है जिसको हम लोग K2 या गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। लगभग 8611 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर की ऊंचाई है K2 या गोडविन ऑस्टिन, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पाई जाती है? कराकोरम श्रेणी में पाई जाती है K2 या गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, और ऊंचाई लगभग इसकी 8611 मीटर देखने को मिलती है। 8611 गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई देखने को मिलती है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। एक प्रश्न बनता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है लेकिन ये पाक अधिकृत है इस वक्त, इसलिए भारत में स्थित नहीं है। हालांकि है भारत का ही भू क्षेत्र और भारत इस पर अपना अधिकार जताता रहता है, भारत का ही हिस्सा है, इस पर तो अवैध कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो ट्रांस हिमालय जिसमें कराकोरम जास्कर लद्दाख की श्रेणियां हैं, K2 गोडविन ऑस्टिन है, इसके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं यानी कि इससे नीचे की ओर तब मिले तब हमको मिलता है महान हिमालय। क्या मिलता है? महान हिमालय। और विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय में स्थित है। इसके बाद हमको मिलेगा क्या? महान हिमालय। और महान हिमालय का विस्तार कुछ इस तरह मिलता है देखने के लिए, ठीक है, महान हिमालय का ये हमको विस्तार देखने को मिलता है। कहां से मिलता है? ये सिंधु नदी के गार्ज से, सिंधु नदी के गार्ज से शुरू होता है और इसका जो अंत है वह है ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज। सिंधु नदी के गार्ज से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक एक श्रेणी हमको मिलती है जिसको हम लोग महान हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है, क्लियर है। अब इन दोनों को, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को, एक रेखा या एक इनकी डिवाइडिंग लाइन है जो इनको विभाजित करती है, वो कहलाती है इंडो सांगपो सचर जोन। किसको? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को एक डिवाइडिंग है, इसको एक हमने काल्पनिक रेखा बना ली है जो इसको विभाजित करती है। इसको कहा गया है नाम इंडो सांगपो, इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। किसको विभाजित करती है? ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के लिए। तो महान हिमालय की हम लोग बात कर रहे थे, सिंधु नदी के गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक, या हम कह सकते हैं नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा तक। कहाँ से? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। नामचा बर्मा तक इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। लगभग 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई का? ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई का ये पूरा महान हिमालय है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर स्थित है जिनमें माउंट एवरेस्ट प्रमुख है। तो महान हिमालय पे कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट भी इसी पर स्थित है, नेपाल में, और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर देखने को मिलती है। कितनी? 8848 मीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा इस पर कंचनजंगा पाई जाती है, मकालू पाई जाती है और नंदा पर्वत पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से पाए जाते हैं? और इस पर मकालू पाया जाता है, मकालू के अलावा इस पर पाई जाती है कंचनजंगा पहाड़ी जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा इसी महान हिमालय पर पाई जाती है। कंचनजंगा किस राज्य में? सिक्किम में है, यहाँ पर स्थित है सिक्किम में कंचनजंगा, और उसकी ऊंचाई लगभग 8598 मीटर देखने को मिलती है। किसकी? कंचनजंगा की 8598, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, ठीक है। किस पर पाया जाता है? ये सारा का सारा महान हिमालय पर पाया जाता है। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें महान हिमालय की, तो लगभग 6000 मीटर देखने को मिलती है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और विशेषता देखने को मिलती है महान हिमालय में। जैसे ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश की तरफ चलती है,
वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है, यानी कि कश्मीर में ये ज़्यादा चौड़ी है और अरुणाचल प्रदेश में ये कम चौड़ी, लगभग 400 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई का विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बनकर आता है कि महान हिमालय ज़्यादा चौड़ा है कश्मीर में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कश्मीर में महान हिमालय ज़्यादा चौड़ा है अपेक्षाकृत अरुणाचल प्रदेश के, जहाँ पर उसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर रह जाती है, जबकि जम्मू कश्मीर में वही चौड़ाई 400 किलोमीटर देखने को मिलती है। ठीक है, और विश्व की जितनी भी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं सभी की सभी महान हिमालय पर स्थित है। क्लियर हो गया। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर के करीब है, लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 400 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर तक। जम्मू कश्मीर में ये 400 किलोमीटर है, वहीं अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ये 160 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ बात कब समझ में आ गई। इस महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं या सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। तो महान हिमालय पहले हम लोगों ने कौन सा देखा, दूसरा है महान हिमालय, महान हिमालय, और इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, हिमाद्री भी कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण की तरफ आपको मिलता है लघु हिमालय, इसके दक्षिण में क्या मिलता है, लघु हिमालय हमको मिलता है। अब लघु हिमालय और महान हिमालय को भी एक चीज यानी कि एक डिवाइडिंग लाइन इसको विभाजित करती है, जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको डिवाइड करता है, इसके दक्षिण में स्थित है लघु हिमालय, इसके दक्षिण में स्थित क्या है, लघु हिमालय स्थित है। तीसरा कौन सा प्रकार है, लघु हिमालय। लघु हिमालय और लघु हिमालय और महान हिमालय को एक लाइन डिवाइड करती है, जिसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बीच में एक लाइन है जो उसको डिवाइड करती है, उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लियर है ये चीज, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको डिवाइड करती है, महान हिमालय और लघु हिमालय के लिए डिवाइड करती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है। अगर हम औसत ऊंचाई की बात करें कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई यानी कि ये महान हिमालय से कम ऊंचा है, तो ये देखने को मिलता है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। सही है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक देखने को मिलता है। अब इस जगह इसमें जो हमारा लघु हिमालय, इसमें कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा नाम गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, ये क्या है, मर्ग है, घास के मैदान है, चरवाहा के लिए काम आते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को जम्मू मर्ग कहा जाता है, जो पाए जाते हैं लघु हिमालय में। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इनको बुग्यार या बुग्याल कहा जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो इनके लिए बुग्यार रा या फिर बुग्याल कहा जाता है, बुग्यार या बुग्याल, कहीं कहीं इनको पायार भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, घास के मैदान है और ये लघु हिमालय पर ही स्थित है। इसके अलावा और अगर हम विशेषताओं को देखें तो जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, वो सारे के सारे लघु हिमालय पर स्थित हैं। लिख लीजिएगा इसमें, लघु हिमालय में जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं या पर्यटक स्थल हैं, जैसे आपका शिमला हुआ, मंसूरी हुआ, दार्जिलिंग हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, ये क्या है, पर्यटक स्थल हैं और ये सारे के सारे कहाँ पर स्थित हैं, ये सारे के सारे लघु हिमालय पर ही स्थित हैं। तो लिख लीजिएगा कि स्वास्थ्यवर्धक या पर्यटक स्थल, पर्यटक स्थल जिनमें क्या क्या है, जिनमें शिमला है,
मसूरी है, कुल्लू मनाली है, कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि दार्जिलिंग कहाँ स्थित है, महान हिमालय पर, लघु हिमालय पर, शिवालिक श्रेणी पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ है, लघु हिमालय पर स्थित है। जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, यहाँ की जलवायु, यहाँ का जो एयर है वो बहुत साफ है, इसलिए इसको स्वास्थ्यवर्धक स्थान कहा जाता है। ये सारे के सारे कहाँ स्थित है, लघु हिमालय पर स्थित है। ठीक है, चलिए, तो लघु हिमालय हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ, आगे देखते हैं हम लोग। लघु हिमालय से अगर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो हमको मिलता है शिवालिक श्रेणियाँ। लघु हिमालय से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तब मिलेगा यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ। ठीक है, अब वही बात हो गई, तीन डिवाइडिंग रेंज हो गई, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय को कौन विभाजित करता है, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। उसके बाद महान हिमालय लघु हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, उसी तरह लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को जो अलग करता है उसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या, मेन बाउंड्री फॉल्ट, तीनों इसको याद कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट इनको विभाजित करता है। अब जरा शिवालिक श्रेणियों की बात करें तो सबसे कम ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा शिवालिक श्रेणियों के और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां हैं, इन घाटियों को पश्चिम में, इन घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। वहीं पूर्व में इनको क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, और पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में घाटी है, उसी तरह दून का मतलब देहरादून। ठीक है, देहरादून आप लोगों ने नाम सुना होगा, देहरादून और हरिद्वार, ये क्या है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियां हैं। क्लियर हुआ यहां पर। अब यहां प्रश्न बन जाता है कि अब इनको हम पर्वतीय भागों में कैसे विभाजित करें। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि ऊंचाई के आधार पर, उसके बाद हम प्रादेशिक वितरण किस प्रकार करें, कि प्रदेश के अकॉर्डिंग हम हिमालय को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं और वहां से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रादेशिक वितरण के हिमालय की, तो प्रादेशिक वितरण हमको चार भागों में देखने को मिलता है। तो हेडिंग डालिएगा हिमालय का प्रादेशिक वितरण, हिमालय का प्रादेशिक वितरण आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। तो हेडिंग डालने के बाद हम लोग शुरू करेंगे हिमालय का प्रादेशिक वितरण। तो प्रादेशिक वितरण आप चार भागों में विभाजित कर लीजिए, 1, 2, 3 और 4, इनकी विशेषताओं को भी देखते रहेंगे और इनको लिखते भी रहेंगे। पहला हिमालय है, पहला हिमालय जो भाग दिखाई दे रहा है, ये सिंधु नदी से शुरू होकर सतलज नदी तक का क्षेत्र आता है। कहाँ से, सिंधु नदी से प्रारंभ होता है, सिंधु नदी से सतलज नदी का तक का क्षेत्र, सिंधु से सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है पंजाब हिमालय। क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है। ये जो पंजाब हिमालय, इसकी अगर हम चौड़ाई देखें कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी ये लंबाई देखें तो लगभग 560 किलोमीटर देखने को मिलती है। क्या, 560 किलोमीटर। और जितनी भी श्रेणियां हैं हमारी, जिसमें लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ, काराकोरम हुआ, पीर पंजाब श्रेणी हुआ, ये सारी की सारी इसी भाग में स्थित है पंजाब हिमालय में। कौन कौन सी हुई, काराकोरम हो गई, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, काराकोरम हो गई, जास्कर हुई, पीर पंजाल हुई, ये सारी की सारी कहाँ स्थित है, इसी भाग में स्थित है। ठीक है, किसमें, पंजाब हिमालय में। कितनी लंबाई इसकी, 560 किलोमीटर है। अब सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का, सतलज नदी से लेकर
काली नदी तक का जो क्षेत्र है, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का जो क्षेत्र है, ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय, ठीक है। और इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है, कुमायूं हिमालय की लंबाई जो देखने को मिलती है वो 320 किलोमीटर दिखाई देती है। कितनी? 320 किलोमीटर। और नंदा पर्वत इस कुमायूं हिमालय में ही स्थित है। नंदा पर्वत, अगर प्रादेशिक वितरण आया और पूछे कि नंदा पर्वत कहां पर स्थित है, तो नंदा पर्वत कुमायूं हिमालय में स्थित है। अब काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक, काली नदी से लेकर तिस्ता नदी तक है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की लंबाई सर्वाधिक है, सबसे अधिक लंबाई नेपाल हिमालय की है, जो लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर के करीब है नेपाल हिमालय की लंबाई। और जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय में ही है। एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा हो गई, कंचनजंगा 8598, कंचनजंगा भारत में कौन सी सबसे ऊंची है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? केटू, गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो काली नदी से तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है ये कहलाता है नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर यानी कि और 800 किलोमीटर लंबा है। एवरेस्ट और कंचनजंगा जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां वो इस नेपाल हिमालय में ही स्थित है। इसके बाद तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है यह हिमालय है। तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक जो हिमालय है ये कहलाता है असम हिमालय। क्या कहलाता है? असम हिमालय, असम हिमालय कहलाता है। और असम हिमालय की जो लंबाई है वो लगभग 720 किलोमीटर देखने को मिलती है, 720 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो ये प्रादेशिक वितरण है, कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। लंबाई भी देख लेते हैं, 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय की, कुमायूं की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर की लंबाई है और असम हिमालय की 720 किलोमीटर लंबाई है। यहां से प्रश्न दो तीन तरह के प्रश्न बनते हैं इसी चित्र से, कि पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में, सतलज जो काली नदी के बीच में, काली और तिस्ता नदी के बीच में, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। तो आपको अपना यहाँ पर आंसर देना होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न जो बन सकता है यहाँ पर वो बन सकता है कि सबसे प्रादेशिक वितरण में सबसे लंबा हिमालय कौन से भाग में आता है। तो आपका आंसर होगा नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, 800 किलोमीटर का है। इसके अलावा सबसे छोटा है कुमायूं हिमालय जो कि 320 किलोमीटर का है। सबसे लंबा नेपाल हिमालय और सबसे छोटा यहाँ पर देखने को मिलता है 320 किलोमीटर का कुमायूं हिमालय। नदियाँ किस किस नदी के बीच में इस क्षेत्र का वितरण किया गया है ये आपके सामने है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बात ध्यान रखने की है वो रखनी है कि कौन सा भाग कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी चीज़ें स्थित हैं। बहुत बड़ी से और सीधी सीधी बात है कि ट्रांस हिमालय पाक अधिकृत कश्मीर में, उसके बाद महान हिमालय आता है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां महान हिमालय में स्थित है। उसके बाद आता है लघु हिमालय, और लघु हिमालय में जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, जो मनोरम स्थान है या पर्यटक स्थल हैं, वो सारे के कहाँ पाए जाते हैं? लघु हिमालय में पाए जाते हैं। उसके बाद शिवालिक श्रेणी शुरू होती है, और शिवालिक श्रेणी और लघु हिमालय के बीच में जो घाटियाँ हैं इनको द्वार और दून कहा जाता है। पूर्व में द्वार कहा जाता है, पश्चिम में इनको दून कहा जाता है। इसके अलावा लघु हिमालय में हम लोगों ने बता लिया कि लघु हिमालय में क्या है, सबसे अधिक पर्यटक स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक जनरल आइडिया बना लेते हैं कि हिमालय के बारे में। हिमालय का निर्माण कैसा हुआ ये आप लोगों को बता दिया गया कि पेंजिया और पेंथालासा के जो क्रम था, पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ, कौन कौन से बल लगे थे उन बलों को भी याद रखिएगा। सब सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल लगा था, इसके अलावा कोरियोलिस बल लगा था पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। हालांकि जब हम संकल्प 2021 की क्लास लेंगे तब इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा तीसरा बल लगा था उत्प्लावन बल, जल का उत्प्लावन बल, और इन तीनों बलों के प्रभाव में पेंजिया दो भागों में विभाजित हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में।
गोंडवानालैंड फिर विभाजित हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंगारा प्लेट की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो बीच में मिलता है टैथिस सागर, टैथिस सागर के मलबे को दबा देती है और जो मलबा है जो दबाया गया ये ऊपर की ओर उठ जाकर हिमालय पर्वत का निर्माण करता है। क्योंकि ये क्रम सालों भर चला था, क्योंकि एक साथ गाद इकट्ठा नहीं होता और एक साथ नहीं आया कि दो प्लेटें आईं और एक साथ टकरा गई, ऐसा नहीं हुआ कि दो प्लेट आ गए इस तरह टकरा गई, बल्कि ये क्रिया धीरे धीरे होती है और करोड़ों वर्षों में इसका निर्माण हुआ है। तो क्या हुआ कि मलबा धीरे धीरे ऊपर उठता है जिसकी वजह से इसमें फोल्ड आने शुरू हो गए। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन का अर्थ क्या है, इस तरह ये फोल्ड आने शुरू हो गए, इसलिए इसको कहा जाता है वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, चूंकि ये अभी नया है इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय उदाहरण है वलित पर्वत का और नवीन वलित पर्वत का। ठीक है, उसके भाग देख लिए हमने, प्रादेशिक विभाजन देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्रे को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रवेश कर जाएंगे प्रायद्वीपीय पठार में या प्रायद्वीपीय भाग में, उसके बाद हम तटीय भाग को देखेंगे। तो जल्दी ये पूरा लेक्चर हमारा जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम भारत के विभिन्न आयामों का अध्ययन करेंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। बीच में आपका टेस्ट भी लूँगा जिससे ये आइडिया लगे कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। बाकी आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी, जल्दी ही हम संकल्प 2021 की भी आधुनिक भारत के इतिहास से शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। बाकी हिमालय पर्वत का जो निर्माण है इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी पंचऋषि क्लासेस में जाइएगा, वहाँ पर आपको हिमालय का निर्माण और उसका विकास मिल जाएगा। वो काफ़ी डिटेल है, पूरे एक मानचित्र के माध्यम से समझाया गया है जिसको आप लोग समझने का प्रयास करना। बाकी ये तो मेरा काम रहा, आपका काम तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, वो करते रहिएगा जिससे कि मनोबल बढ़े और साथ में अच्छे अच्छे हम लोग कंटेंट आते लाते रहें और आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी रहे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।